हेलो एक्वेरियस, एक्वेरियस यानी कुंभ राशि में सूर्य स्पॉट की प्लस से। तो आज हम एक्वेरियस यानी कुंभ राशि की थ्री कार्ड क्लेरिफिकेशन वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। जनरल है तो आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिससे भी चाहें आप इसे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहाँ जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कन्फ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे, और ये रीडिंग 5 से लेकर 12 जून तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे एक्वेरियस जो आपके पर्सन हैं उनकी आपके लिए फीलिंग्स क्या हैं, फिर देखेंगे कि आपकी उनके लिए फीलिंग्स क्या हैं, आप एक दूसरे से क्या चाहते हैं, आउटकम क्या रहेगा और गाइडेंस क्या रहेगी। तो ये सारा सेट एक रीडिंग बनेगी। तो सबसे पहले चलिए देख लेते हैं एक्वेरियस जो आपके पर्सन हैं उनकी आपके प्रति फीलिंग्स क्या हैं, वो आपके लिए क्या महसूस कर रहे हैं राइट नाउ। तो सैजी के पर्सन की सैजी के लिए फीलिंग्स क्या हैं। द हाई प्रिस्टेस सैजिटेरियस जो वो आपके पर्सन हैं उनको महसूस हो रहा है कि उन्हें इस रिश्ते में हीलिंग करनी चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए। चुप्पी और खामोशी के साथ अपने विस्टम नॉलेज गेन करते हुए साइलेंस रहना चाहिए और कुछ चीज़ें यूनिवर्स पर छोड़ देनी चाहिए ताकि सही समय आने पर, सही वक्त आने पर उन चीज़ों को इस्तेमाल किया जा सके। तो वो चुप्पी और खामोशी, जैसा वो हो सकता है कि जैसा वो फील कर रहे हैं ऐसा आप भी उनके लिए महसूस कर रहे हो, क्योंकि इसमें रोल रिवर्स होते हैं। तो देखते हैं, इसको क्लैरिफाई करते हैं। द हाई प्रिस्टेस को एस ऑफ स्वॉर्ड्स, सेवन ऑफ वॉन्ड्स एंड एट ऑफ स्वॉर्ड्स। तो एक्वेरियस जो आपके पर्सन हैं इस रिश्ते को लेकर काफ़ी परेशानी और दुविधा में हैं। उनको बार बार महसूस हो रहा है कि वो स्वॉर्ड्स रूपी दीवार से कितना भी कोशिश कर लें वो स्वॉर्ड्स रूपी दीवार से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। वो एंजाइटी में, स्ट्रेस में हैं। वो महसूस कर रहे हैं कि अगर बजाय के एंजाइटी स्ट्रेस में रहने के, बजाय के परेशानी में रहने के, अगर वो स्वॉर्ड्स रूपी दीवार से, इस अनकंट्रोल्ड कंट्रोल से बाहर आ जाते हैं, आंखों से पट्टियां खोलते हुए पेशेंटली एक दूसरे से प्यार से प्रेम से बातें करते हैं, तो धीरे धीरे करके जो भी गिले शिकवे, जो भी प्रॉब्लम है, जो भी वाद विवाद है वो ख़त्म होगा और ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, ट्रूथ के साथ, सच्चाई के साथ अगर दिल और दिमाग से काम लेते हुए इस रिश्ते में अपने लिए या अपने प्यार के लिए स्टैंड लेते हैं, चाहे उसमें अपनों के अगेंस्ट क्यों ना जाना पड़े, तो धीरे धीरे करके जो है यूनिवर्स जो आगे बढ़ने का आइडियाज़ दे रहे हैं, अपॉर्चुनिटी मौका दे रहे हैं। तो जो भी इस रिश्ते में ये प्रॉब्लम रही है, जो भी ये स्वॉर्ड्स रूपी दीवार जो खुद की बनाई हुई है, उससे इस अनकंट्रोल्ड कंट्रोल से बाहर आते हुए चीज़ों को पेशेंटली हैंडल किया जाता है, उस स्ट्रेस से बाहर निकला जाता है जो एक दूसरे को दे रहे हैं। तो आपस में खुलकर बातें की जाती हैं तो और चुप्पी और खामोशी के साथ अपनी विजडम नॉलेज गेन करते हुए समझदारी के साथ एक्शन लिया जाता है। तो धीरे धीरे करके जो है ये रिश्ता आगे बढ़ सकता है, फिर से चीज़ें सही हो सकती हैं, लेकिन इसमें समय लगेगा, वक्त लगेगा, विजडम नॉलेज गेन करते हुए धीरे धीरे चीज़ें करके आगे बढ़ सकती हैं। तो ऐसा वो फील कर रहे हैं, वो रुका हुआ था सा, थोड़ा सा उनको महसूस हो रहा है कि ये रिश्ता आगे बढ़ने में थोड़ा सा समय और वक्त लगेगा, लेकिन अपनी विजडम नॉलेज गेन करते हुए समझदारी के साथ अगर आगे बढ़ते हैं तो धीरे धीरे करके भले ही समय लगे, वक्त लगे, लेकिन चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं। तो देखते हैं आप अपने पर्सन के लिए क्या महसूस करते हैं एक्वेरियस, आपकी फीलिंग्स क्या हैं। तो एक्वेरियस आप यूनिवर्स जो आपको अच्छे आइडियाज, अपॉर्चुनिटी दे रही हैं, आगे बढ़ने का मौका दे रहे हैं, तो आपको लगता है कि दिल और दिमाग से, दिल से ना सोचकर दिमाग से काम लेते हैं और यूनिवर्स जो मौका दे रहे हैं उस अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो जो
ये दुख के बादल छाए हुए हैं, जो परेशानियां हैं वो ख़त्म होंगी और धीरे धीरे करके चीज़ें सही हो सकती हैं। तो इसलिए आप इसको एक्सेप्ट करते हुए आगे बढ़ने के बारे में, सच्चाई का साथ देते हुए आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं, फील हो रहा है आपको। तो इसमें आप सबसे पहले एक दूसरे से माफ़ी मांगना चाहते हैं, नए सिरे से इस रिश्ते में एक बिगनिंग, एक शुरुआत चाहते हैं। आपको लगता है कि अगर एक दूसरे से माफ़ी मांगेंगे, एक दूसरे को माफ़ कर देंगे और नई ताजगी के साथ, नए जोश के साथ, नए हौसले के साथ, चाहे भले ही ये रिश्ता पहले से आपके साथ रहा है, लेकिन नए सिरे से एक दूसरे के साथ डेट्स पर जाएंगे, नई बिगनिंग, नई शुरुआत करेंगे, एक दूसरे को समय देंगे, एक वक्त देंगे, एक फ्रेंड की तरह, एक दोस्त की तरह उनके साथ चैटिंग करेंगे, खुलकर बातें करेंगे, तो जो गिले शिकवे, जो प्रॉब्लम है, एक तरफा ना सोचकर दोनों पक्षों के बारे में सोचेंगे, तो धीरे धीरे करके ये रिश्ता आगे बढ़ सकता है। इस रिश्ते में दुख के बादल ख़त्म हो सकते हैं, फिर से खुशियाँ वापस आ सकती हैं और नए सिरे से एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत इस रिश्ते में हो सकती है। तो ऐसा आप महसूस कर रहे हैं, ऐसा आप सोच रहे हैं। आप देखते हैं आप एक दूसरे से क्या चाहते हैं, पहले देख लेते हैं एक्वेरियस जो आपके पर्सन हैं वो आपसे क्या चाहते हैं। आपके जो पार्टनर हैं वो हैप्पीनेस चाहते हैं, एक फैमिली, एक परिवार इस रिश्ते को बनाना चाहते हैं। उनको लगता है कि अगर ये रिश्ता एक फैमिली, एक परिवार बन जाता है तो खुशियां ही खुशियां इस रिश्ते से वापस आ सकती हैं। तो किंग ऑफ वांड्स, द फूल एंड टू ऑफ कप्स। तो एक्वेरियस, आपके जो पर्सन हैं वो चाहते हैं कि आप इस रिश्ते में सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में ना सोचें, एक पक्ष के बारे में ना सोचें, दोनों के बारे में सोचें, यानी कि जो एक्वेरियस हैं उनके बारे में भी सोचें और जो एक्वेरियस हैं उनकी के पर्सन हैं उनके बारे में भी सोचें। दोनों डिटैच ना होते हुए, कॉल्ड ना होते हुए, अटैचमेंट के साथ, एक फीलिंग के साथ अगर मेल जोल पढ़ाते हैं, एक नए सिरे से एक बिगनिंग, एक शुरुआत करते हैं, थोड़ा सा इसमें रिस्क लेते हैं, जंप ना लगाते हुए, थोड़ा सा एक दूसरे से बातें करते हुए नए सिरे से एक बिगनिंग करेंगे, एक शुरुआत करेंगे और एक दूसरे के लिए, एक दूसरे के लिए अगर कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे तो ये रिश्ता आपके लिए आगे जाकर सोलमेट हो सकता है, सोलमेट ऑफ माइंड हो सकता है, क्योंकि यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स इस रिश्ते में मिल रही हैं। और अगर कोई तीसरा पर्सन इसमें इन्वॉल्व होता है या मतलब वो प्रॉब्लम डालने की कोशिश करता है तो एक दूसरे को की भावना को समझना चाहिए, प्यार से, प्रेम से एक दूसरे को हैंडल करना चाहिए, एक दूसरे के लिए कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए ताकि यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ ये रिश्ता आगे बढ़ सके, गिले शिकवे ख़त्म हो सके और फिर से ये रिश्ता सॉलमेट हो सके, एक अच्छा पेयर, एक अच्छा जोड़ा बन सके। ऐसा एक्वेरियस आपके पर्सन आपसे चाहते हैं ताकि एक फैमिली, एक परिवार ये रिश्ता बन सके और बहुत जल्दी आपके घर आंगन में ये बच्चे की किलकारियाँ भी गूंजें, बच्चे भी खेलें। तो देखते हैं एक्वेरियस आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। क्वीन ऑफ वॉर्ड्स, आप अपने पर्सन से बातें करना चाहते हैं, मेल जोल बढ़ाना चाहते हैं, आप उनको अभी भी अपना सोलमेट मानते हैं, उनकी तरफ अट्रैक्शन है, उनकी तरफ फीलिंग है, आपको लगता है कि अगर आप उनको उनसे खुलकर बातें करेंगे तो ये रिश्ता फिर से आगे सोलमेट हो सकता है, सोलमेट ऑफ काइंड हो सकता है, क्योंकि आपको जो आपके पर्सन हैं तो उनका जो बातें करने का अंदाज़ है या काम करने का अंदाज़ है वो आपको बहुत पसंद आता है। आपको लगता है कि जो भी वो काम करते हैं बहुत खूबसूरती से करते हैं, वो हर काम को बहुत अच्छे से अंजाम देते हैं, हमेशा हैप्पी रहते हैं, खुश रहते हैं, मस्त रहते हैं, मग्न रहते हैं, कोई भी शिकन तक उनके चेहरे पर नहीं आती। तो उनका जो नज़रिया है वो जो काम करने का जो तरीका है वो आपको बहुत पसंद, बहुत अट्रैक्टेड करता है, तो इसलिए अभी भी आप उनकी तरफ अट्रैक्शन फील करते हैं और इस रिश्ते को सोलमेट बनाना चाहते हैं। तो देखते हैं, इसको क्लैरिफाई करते हैं। द मैजिशियन, सेवन ऑफ पेंटिकल्स एंड स्ट्रेंथ। तो एक्वेरियस,
आप चाहते हैं कि जो रिश्ता रुक चुका है, थम चुका है, जिसका आप बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, बेचैनी से इंतज़ार कर रहे हैं, कभी फ़ोन कॉल देखते हैं, कभी मैसेज देखते हैं, कभी टॉर पर जाते हैं, कभी इंस्टाग्राम पर जाते हैं, लेकिन रिश्ता आगे बढ़ने का नाम नहीं लेता, फिर भी वहीं का वहीं रिश्ता रुका हुआ है, तो जो बेसब्री से आपका आप इंतज़ार कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि आप चाहते हैं अपने पार्टनर से कि जो करेज, हिम्मत और सास के साथ अपने अंदर का डर बाहर निकालते हुए, अगर वो जो ये रिश्ता रुक चुका है, थम चुका है, इसको आगे बढ़ाएंगे और उनकी भावनाओं के साथ नहीं खेलेंगे, कोई भी माइंड गेम, कोई भी मैनिपुलेशन उनके साथ नहीं खेलेंगे, तो जो भी उनकी दिली तमन्ना, जो मैनिफेस्टेशन है, वो पूरी होंगी, वो रिश्ता फ्रूटफुल और कामयाबी की तरफ बढ़ेगा। तो आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि सबसे पहले एक दूसरे से माफ़ी मांगे, और अगर वो सामने वाला उनको नहीं भी माफ़ करता, तो दिल से माफ़ करते हुए वो अपने, क्योंकि उनके पास सभी सोर्सेज हैं, सारे चीज़ें हैं उनके पास, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, और ये जो इन्फिनिटी का साइन है, यूनिवर्स की जो ब्लेसिंग्स हैं, वो भी उन्हें मिल रही है, तो वो इस रिश्ते में आगे बढ़ें और जो है इस रिश्ते को नए सिरे से एक मौका दें, ताकि ये रिश्ता सोलमेट बन सके, सोलमेट काइंड ऑफ कनेक्शन बन सके, फिर से जो उनकी दिली तमन्ना है वो पूरी हो सके और रुका हुआ रिश्ता आगे बढ़ सके। तो ऐसा आप अपने पर्सन से चाहते हैं। तो आ देख लेते हैं इसका आउटकम क्या बता रहा है। एक्वेरियस पर्सन के लिए आउटकम क्या होगा, चलिए देखते हैं। जो भी इसमें माइंड गेम मैनिपुलेशन चल रही थी, ईगो फाइट्स, ईगो ड्रामा, जो एक दूसरे की भावनाओं के साथ खेला जा रहा था, जिस वजह से रिश्ता रुका हुआ था, थंबा हुआ था, आगे नहीं बढ़ रहा था, तो उन चीज़ों से बाहर निकलते हुए वो आगे बढ़ना चाहते हैं। उनको लगता है कि बहुत हो चुका है ड्रामा, फाइट्स, ईगो, अब इन चीज़ों से बाहर निकलना चाहिए और नए सिरे से एक बिगनिंग, एक शुरुआत कर लेनी चाहिए, ताकि जो भी ये अननोन फियर हैं, जो भी डरावने सपने हैं, जो भी उनके खुद के बनाए हुए हैं, उनसे निजात मिल सके। तो इसका जो है आउटकम बता रहा है कि उन चीज़ों से बाहर निकलते हुए जो एक दूसरे की परेशानियां बढ़ा रहे थे, ईगो फाइट्स, ईगो ड्रामा था, तो उनको ख़त्म करते हुए, जो उनको बार बार महसूस हो रहा था कि उनकी भावनाओं के साथ खेला जा रहा है, उनके से कुछ छिपाया जा रहा है, वो उनके साथ लॉयल नहीं है, ऑनेस्ट नहीं है, कोई चीटिंग, कोई फ्रेब, कोई धोखाधड़ी है, तो उन डरावने सपने से, अननोन फियर से वो बाहर आते हुए, उनको लग रहा है कि अगर समय के साथ, फ्लो के साथ बहेंगे, उन ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस से बाहर आएंगे और नए सिरे से उन चीज़ों को गिव अप करते हुए, उन चीज़ों को छोड़ते हुए जो उन्हें बाधाएं दे रही हैं, रुकावटें दे रही हैं, दिक्कतें दे रही हैं, पीस के साथ, सुकून और शांति के साथ नए सिरे से एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे, हैप्पी रहेंगे, खुश रहेंगे, मस्त रहेंगे, जो यूनिवर्स अच्छे आइडियाज़, अपॉर्चुनिटी, अच्छा मौका दे रहे हैं आगे बढ़ने का, उसके साथ आगे बढ़ेंगे, तो जो इसका आउटकम है वो सक्सेसफुल होगा, कामयाब होगा, फ्रूटफुल होगा। तो उन्हें अपने इनर चाइल्ड को जगाते हुए, यानी कि जैसे बच्चा इनोसेंट होता है, लॉयल होता है, कोई छल, कोई भेदभाव उसके अंदर नहीं होता, वो हमेशा हैप्पी और मस्त रहता है, मग्न रहता है, तो उसी सोच के साथ, उसी अपॉर्चुनिटी के साथ अगर आगे बढ़ते हैं नए सिरे से, और ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस को ख़त्म करते हुए, इस ईगो फाइट्स को ख़त्म करते हुए, एक दूसरे की भावनाओं के साथ जो खेल रहे थे उसको छोड़ते हुए अगर आगे बढ़ते हैं, तो ये रिश्ता सोलमेट काइंड ऑफ कनेक्शन होगा, काफ़ी खुशहाली इस रिश्ते में आएगी, और जो दुख के बादल हैं, जो परेशानियाँ हैं, वो ख़त्म होंगी, और जो ईगो फाइट्स, ईगो ड्रामा, जो एक दूसरे की भावनाओं के साथ खेला जा रहा था, बजाय कि उन चीज़ों को खेलने के, एक दूसरे के साथ आमने सामने क्लैरिटी लाएंगे, क्लियर कट कम्युनिकेशन करेंगे, तो सारी परेशानियां ख़त्म होंगी और ये रिश्ता जो है सूरज की तरह चमकेगा, काफ़ी खुशियां इस रिश्ते से देखने को मिलेंगी। तो इसको देख लेते हैं यूनिवर्स जी क्या मैसेज या गाइडेंस देना चाहते हैं। तो यूनिवर्स ही गाइड करना चाहते हैं कि अभी इस रिश्ते में काफ़ी माइंड गेम है, मैनिपुलेशन है,
ईगो फाइट से ड्रामा है, जब तक आप इस ओवर थिंकिंग ओवर कंट्रोल ओवर स्ट्रेस से एक दूसरे पर कंट्रोल करना नहीं छोड़ देते। और जो भी इस रिश्ते में लस्ट है, एडिक्शन है, चाहे वो गैम्बलिंग है, स्मोकिंग है, ड्रिंकिंग है, नेगेटिव लोगों में बैठना, नेगेटिव बनना, नेगेटिव सोचना, जब तक उन चीज़ों को नहीं छोड़ लेते और इस कंफ्यूजन इस परेशानी से जो आपको दुविधा दे रही है, आपको प्रॉब्लम में डाले हुए हैं, तो उस परेशानी से, उस दुविधा से बाहर नहीं आ लेते, तो आपको सबसे पहले क्या है, थोड़ा सा रेस्ट लेना है, आराम करना है, नेगेटिविटी को ख़त्म करना है, पॉजिटिव हीलिंग और मेडिटेशन करनी है, ताकि आप इस कंफ्यूजन इस परेशानी इस दुविधा से बाहर निकलें और जो भी लस्ट या एडिक्शन रही है उनको ख़त्म करते हुए आगे बढ़े। तो धीरे धीरे करके समय के साथ, वक्त के साथ रिश्ता आगे बढ़ सकता है, चीज़ें सही हो सकती हैं, लेकिन अभी समय लगेगा, वक्त लगेगा, अभी आपको हीलिंग करनी है, मेडिटेशन करना है और तभी आपको धीरे धीरे करके आगे बढ़ना है। अभी समय सही नहीं है, वक्त सही नहीं है, अभी नेगेटिविटी को ख़त्म कीजिए, नहीं तो अगर जल्दबाजी करेंगे, बिना सोचे समझे, बिना हीलिंग के, बिना मेडिटेशन के, बिना रेस्ट लिए, बिना आराम करे आगे बढ़ेंगे, तो ये रिश्ता आगे जाकर आपके लिए टॉक्सिक हो सकता है, परेशानियां दे सकता है। तो रुकिए, ठहरिए और थोड़ा हीलिंग मेडिटेशन कीजिए, अपनी दुविधा से बाहर आइए, परेशानी से बाहर आइए, तभी नए सिरे से आगे बढ़िए, ताकि समय के साथ, वक्त के साथ रिश्ता आगे बढ़ सके और चीज़ें सही हो सके। तो जल्दबाजी में आकर आपको कोई भी एक्शन नहीं लेना है, अदरवाइज आप प्रॉब्लम में आ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, नमस्ते, थैंक यू सो मच।